Hello students, this is Devraj and I welcome you all to my YouTube channel YouTube English. और आज मैं आपको chapter number 3 की 2 stories about flying के part 1 के question answers share करने जा रहा हूँ. तो मैं आप लोग को ये suggest करूँगा कि आप लोग इस video को देखने से पहले आप इसके explanation video को देख लीजिए, तब आपको ज़्यादा समझ आएगी. और अगर अभी तक आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो do subscribe to my channel. तो मैं पहले इस टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के फर्स्ट पार्ट, जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसके क्वेश्चन आंसर शेयर करने वाला हूँ. तो यहाँ पे कह रहा है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, जो कि आपके बुक के पेज नंबर 36 में है. इसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई. जो यंग सीगल था वो उड़ने से क्यों डरता था. Do you think all birds are afraid to make their first flight? क्या आप लोग को ऐसा लगता है कि सारे birds डरते हैं अपनी पहली उड़ान भरने से? मतलब कि जब कोई भी bird new baby होता है, उसके बाद फिर जब वो adult होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, तो first time जब वो उड़ने वाला होता है तो क्या सबके साथ वही डर होता है जो कि ये seagull के साथ था? Or some birds more timid than others? Timid का मतलब होता है डरपोक, coward. यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो ज़्यादा डरपोक होते हैं दूसरे बर्ड से. डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड्स अ चैलेंज टू मेक हिज फर्स्ट स्टेप्स. और फिर ये पूछा जा रहा है कि क्या आपको लगता है कि ह्यूमन बेबी जो होता है उसको भी इस तरह के चैलेंजेज आती है उसकी लाइफ में जब वो अपनी फर्स्ट स्टेप यानी अपने पहले कदम रखता है. तो जब वो पहले पहले चलना शुरू करता है तो क्या उसे भी इसी तरह की प्रॉब्लम आती है जैसे कि सीगल को इस स्टोरी में आया था? तो इसका आंसर है The young seagull was afraid to fly because it was his first flight. तो इसका आंसर ये कह रहा है कि जो यंग सीगल था उसे उड़ने से डर लगता था क्योंकि उसकी वह फर्स्ट फ्लाइट थी, पहली उड़ान थी, वो फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में उड़ रहा था, इस वजह से वो डरता था. एंड ही फियर्ड डैट ही माइट फॉल एंड हर्ट हिमसेल्फ. और उसे इस बात का डर था कि हो सकता है कि वह गिर जाए, जब वो उड़ेगा तो लेज से नीचे गिर जाएगा और वो समुद्र में डूब जाएगा और ख़ुद को हर्ट कर लेगा. तो इस तरह की फीलिंग थी, इस तरह का डर था यंग सीगल के मन में. ही थॉट डैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम. यहाँ पे ही यंग सीगल को ही रेफर कर रहा है. तो यंग सीगल सोचता था कि उसकी जो विंग्स है वो उसका सपोर्ट नहीं करेगी वाइल ही अटेम्प्ट टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, तब जब वह अपनी पहली उड़ान भरेगा तो उसकी विंग्स उसका सपोर्ट नहीं करेगी. और उसके बाद का क्वेश्चन कह रहा था कि क्या सारे बर्ड को इस तरह से डर लगते हैं या फिर कुछ बर्ड ज़्यादा डरपोक होते हैं. तो सेकेंड का आंसर है यस, आई बिलीव इट्स क्वाइट नेचुरल एंड ओबियस डैट डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम कैन बी फियरफुल एंड अ बिट चैलेंजिंग. तो इसका आंसर है कि यस, मुझे ऐसा लगता है या मैं ऐसा मानता हूँ कि ये बात नेचुरल है कि जब कोई भी इंसान या कोई भी ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, एनिमल्स जब कोई काम को फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं तो उसे उस चीज़ के लिए डर लगता है. ये हम इंसानों में भी होता है, हम किसी भी काम को पहली बार अगर कर रहे होते हैं तो उस चीज़ से हमें भी डर लगता है, वो थोड़ा चैलेंजिंग होता है. तो उसी तरह से सेम यहाँ सीगल के साथ भी था. सर्टनली ऑल बर्ड्स मस्ट बी अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट. और इसीलिए ऐसा है कि सारे के सारे बर्ड्स डरते हैं अपनी पहली उड़ान भरने से. तो ये सीगल कोई स्पेशल नहीं है या सीगल कुछ ज़्यादा डरपोक नहीं है, ये चीज़ सबके साथ होता है, ये नेचुरल है. हम इंसानों के साथ भी होता है, बर्ड्स, एनिमल्स सबके साथ होता है कि जब वो फर्स्ट टाइम कुछ भी काम कर रहे होते हैं तो उसे इस बात से डर लगता है कि शायद वो काम सही से हो या ना हो. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन कह रहा था कि क्या ह्यूमन बेबी को भी इस तरह के चैलेंजेस आते हैं उसकी लाइफ में जब वो अपने फर्स्ट स्टेप को लेता है. तो इसका आंसर है लाइकवाइज अ ह्यूमन बेबी इज आल्सो अफ्रेड एंड फाइंड्स इट वेरी चैलेंजिंग व्हेन ही और शी टेक्स हिज और हर फर्स्ट स्टेप. तो यहाँ इस आंसर में कहा जा रहा है कि जिस तरह से बर्ड्स को होते हैं, एनिमल्स को होते हैं, और जिस तरह से इस चैप्टर में सीगल के डर को दिखाया गया है फर्स्ट टाइम उड़ने से, उसी तरह से ह्यूमन बेबी के साथ भी होता है, वह भी डरता है. उसके लिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है जब कोई मेल बेबी या फीमेल बेबी जो होती है वो अपना फर्स्ट स्टेप लेती है, तो वो भी बहुत ज़्यादा डरता है या डरती है. और व्हेन ही और सी लर्न्स टू क्रॉल और वॉक ऑन हिज और हर ओन विदाउट एनी सपोर्ट. और तब भी उसे डर लगता है जब कोई भी बेबी बिना किसी सपोर्ट के
फर्स्ट टाइम में क्रॉल करता है, यानी धीरे धीरे जैसे चार पैर पे चलते हैं, दोनों पैर दोनों हाथों पे चलते हैं उस तरह से, या फिर धीरे धीरे वॉक करना शुरू करते हैं बिना किसी के सपोर्ट से, तो उस ह्यूमन बेबी को भी डर लगता है, जैसे कि यहाँ पे सीगल को लग रहा है। ये भी बिना किसी सपोर्ट के उड़ नहीं रहा है, क्योंकि इसे भी इस बात का डर है कि उसके विंग्स उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, और उसके साथ तो कोई है भी नहीं जो उसे बचा सके, तो इसलिए सीगल डर रहा था। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है हर लोग में, इंसान हो या फिर एनिमल्स हो या फिर बर्ड्स हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट, व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। यहाँ पे जो हिम है, ये हिम यंग सीगल को ही रेफर कर रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि जो फूड का साइट था, जब उसने फूड को देखा उस जगह पे, तो वह पागल सा हो गया था। व्हाट डज दिस सजेस्ट, तो इससे क्या लगता है आपको, क्या सजेस्ट करता है ये चीज़ कि जब वह फूड को देखा था तो वो पागल हो गया था भूख की वजह से। और फिर कह रहा है कि व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल फाइनली टू फ्लाई। कंपेल्ड का मतलब होता है मजबूर करना, तो यंग सीगल को ऐसा क्या चीज़ था जो मजबूर कर दिया उसे उड़ने के लिए। द यंग सीगल फेल्ड टू मस्टर अप करेज, तो यंग सीगल जो है वो अपने करेज को मस्टर करने में, मतलब जमा करने में फेल हो गया था। वो अपनी हिम्मत को नहीं जुटा पा रहा था उड़ने के लिए। इन ऑर्डर टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, अपने फर्स्ट फ्लाइट को लेने के लिए जो उसे करेज चाहिए थी, उस करेज को कलेक्ट करने में, उसे मस्टर करने में फेल हो गया था। हिज फैमिली कॉन्स्टेंटली अपब्रेडेड हिम टू टेक द प्लंज, तो हिज फैमिली यहाँ पे यंग सीगल के फैमिली को ही रेफर कर रहा है। तो यंग सीगल का जो फैमिली था वो कॉन्स्टेंटली लगातार अपब्रेड कर रहा था, उसे डांट रहा था, यंग सीगल को डांट रहा था कि वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट को ले, लेकिन इस बात का कोई भी असर नहीं हुआ उस यंग सीगल पे। दे लेट हिम स्टे ऑन द लेज, और इसी वजह से दे यानी कि यंग सीगल के पूरे परिवार वाले उसे लेज पे ही छोड़ दिए, अनटिल ही वॉज रेडी टू टेक द प्लंज, तब तक जब तक कि वह अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार ना हो जाता। He was left there for more than 24 hours. उसे वहाँ पे अकेला, यहाँ पे जो देर है ये लेज को रेफर कर रहा है, तो वहाँ लेज पे उसे अकेला छोड़ दिया गया था 24 घंटे से भी ज़्यादा टाइम तक। एंड वॉज वेरी हंग्री बाय देन, और तब तक वह बहुत ही ज़्यादा भूखा हो गया था। 24 घंटे से उसने कुछ नहीं खाया था, इस वजह से उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने कहा था कि जब तक तुम अपनी फर्स्ट फ्लाइट नहीं भरोगे तब तक तुम्हें कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। ड्यू टू दिस हंगर, और इसी भूख की वजह से, ही वॉज अल्टीमेटली कॉम्पेल्ड टू फ्लाई, वह मजबूर हो गया उड़ने के लिए। फर्दर मोर हिज हंगर इंटेंसिफाइड व्हेन ही सॉ हिज मदर टियरिंग एट अ पीस ऑफ फिश दैट वॉज लाइंग एट हर फीट। फर्दर मोर का मतलब होता है इसके अलावा, तो इसके अलावा जो उसकी भूख है वो इंटेंसिफाइड हो गई और ज़्यादा बढ़ गई, तब जब उसने देखा अपनी मदर को एक फिश के टुकड़े को टियर करते हुए, यानी उसको फाड़ते हुए, उसको टुकड़े टुकड़े में करते हुए अपने फीट से दबाकर, तब इस खाने के साइड को जब वो देखा तब उसकी जो भूख थी वो और ज़्यादा तेज हो गई। ही क्राइड डेस्परेटली बेगिंग हर टू गेट सम फूड फॉर हिम, तब वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट होकर, यंग सीगल बहुत ज़्यादा उदास हो गया था, और वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि कुछ फूड लाकर उसे भी दे दिया जाए। सीइंग दिस, और इस चीज़ को देखते हुए, व्हेन हिज मदर केम टुवर्ड्स हिम, जब उसकी माँ उसके तरफ आई यानी सीगल की तरफ आई, विद फूड इन हर बीक, अपने बीक में फूड यानी कि वो जो फिश तोड़ के खा रही थी उसे लेकर आई, द लिटिल सीगल स्क्रीम्ड विद जॉय एंड एंटिसिपेशन, तो जो छोटा सा सीगल था वो खुशी से चिल्ला उठा, क्योंकि उसे पहले से पता था कि उसकी मदर उसे खाना लाके जरूर देगी। हाउएवर सी स्टॉप्ड मिड वे एंड द यंग सीगल वंडर्ड व्हाई सी डिड नॉट केम क्लोजर टू हिम, लेकिन जो मदर थी सीगल की वह बीच रास्ते में ही रुक गई, और जो यंग सीगल है वह वंडर करने लगा कि वह उसके पास क्यों नहीं आ रही है। मैडन्ड बाय द हंगर, अब क्योंकि इसे बहुत तेज़ भूख लगी है और इसने खाने को भी देख लिया और इसका खाना जो है वो इससे इतना पास आ चुका है, तो ये सारी चीज़ों को देख के ये भूख से पागल हो गया था। ही डाइव्ड एट द फूड इन हिज मदर्स बीक,
और जो उसके मदर के बीक में जो फूड था, जो फिश का टुकड़ा था, उसके लिए वह डाइव करता है एट दैट मोमेंट। और उसी मोमेंट ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इन टू द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी बीनिथ द क्लीफ। तो वो जो क्लीफ पे रह रहा था, जब वो वहाँ से डाइव किया उस क्लीफ से, तब इसे कुछ मोमेंट के लिए ऐसा फील हुआ कि वह नीचे गिर रहा है, फिर ऊपर उठ रहा है, फिर नीचे गिर रहा है, फिर ऊपर उठ रहा है, उस बड़े से समुद्र के पास। ही वॉज टेरिफाइड एंड कुड फील हिज हार्ट स्टूड स्टिल। और वह बहुत ज़्यादा टेरिफाइड हो गया था, बहुत ज़्यादा डर गया था, और उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी जो धड़कन है वो रुक गई है। तो ये सब इसका डर है, डर को एक्सप्लेन कर रहे हैं राइटर इस तरह से वर्ड्स में। बट सून इनफ ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स एंड ही रियलाइज्ड दैट ही कुड फ्लाई लाइक अदर्स। लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ये सब चीज़ होते हुए, और जल्द ही उसने अपने विंग्स को खोल दिए, उसके विंग्स स्प्रेड हो गई, खुल गई बाहर की तरफ। और फाइनली उसे ऐसा रियलाइज हुआ कि वह भी दूसरों के जैसा उड़ सकता है। देयरफोर हिज हंगर ओवरपावर्ड हिज फियर। और इस तरह से उसकी जो हंगर थी वो उसके डर पे काबू पा लिया। एंड फाइनली ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट जॉयफुली। और अंत में वह खुशी से अपनी पहली उड़ान ले लेता है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर सेकेंड आंसर भी ख़त्म हो रहा है। नंबर थ्री कह रहा है, दे वर बेकोनिंग एट हिम कॉलिंग श्रिली, वाई डिड द सीगल्स फादर एंड मदर थ्रेटन हिम एंड कैजोल हिम टू फ्लाई। यहाँ पर जो दे है, ये दे रेफर कर रहा है यंग सीगल के फैमिली वालों को। तो उसके जो फैमिली वाले थे, उसके जो पेरेंट्स थे, उसे क्यों बेकोनिंग कर रहे थे, उसे क्यों डांट रहे थे, उस पर जोर जोर से चिल्ला रहे थे और कह रहे थे वाई डिड द सीगल्स फादर एंड मदर थ्रेटन हिम एंड कंजोल हिम टू फ्लाई। और कह रहा है कि जो यंग सीगल के फादर थे और उसके मदर थे, वो उसे क्यों थ्रेटन कर रहे थे, उसे डांट रहे थे, उसे धमकी दे रहे थे कि तुम्हें उड़ना होगा वरना खाने को नहीं मेलेगा। तो इसका आंसर है, द यंग सीगल्स पेरेंट वर कॉन्स्टेंटली बेकोनिंग हिम एंड ट्राइड एवरीथिंग टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो यंग सीगल का जो पेरेंट्स था वो लगातार उसे डांट रहा था, यंग सीगल को डांट रहा था और पूरी कोशिश कर रहा था, अपनी सारी कोशिश कर ली है कि वह अपनी फर्स्ट फ्लाइट को ले सके। इसके लिए उन्होंने अपनी सारी कोशिश कर ली थी। हाउएवर ही वॉज रिलक्टेंट टू टेक द प्लंज ड्यू टू हिज फियर ऑफ फॉलिंग डाउन फ्रॉम द क्लीफ। फिर भी वह बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट था। रिलक्टेंट का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए इच्छा ना होना। तो उसका मन नहीं था अब उड़ान भरने के लिए, और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे डर लगता था कि जब वह उड़ेगा तो पहाड़ी से नीचे गिर जाएगा। ही लुक्ड एट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु फ्लू अवे। वह अपने उन भाई और बहनों की तरफ देखता है जो कि वहाँ पर उड़ रहे थे। बट ही वॉज हेजिटेंट टू मेक एनी एफर्ट। बट वो बहुत ज़्यादा नर्वस था अपनी कोई भी एफर्ट लगाने से उड़ने के लिए। ड्यू टू दिस रीज़न, और इसी रीज़न की वजह से, हिज होल फैमिली हैड लेफ्ट हिम अलोन। उसकी जो पूरी फैमिली थी वह उसे अकेला छोड़ दिया। ऑन हिज लेज, उसे उसकी लेज पर ही अकेला छोड़ दिया। एंड थ्रेटेंड एंड परसुएडेड हिम टू फ्लाई, बट ऑल एफर्ट्स वेंट इन वेन। और इसी वजह से उसे बहुत ज़्यादा थ्रेटन किया जा रहा था, उसे डांटा जा रहा था ताकि वह उड़ सके। लेकिन जितने भी एफर्ट लगाए सीगल के पेरेंट्स ने, वो सारे कुछ वेन में चले गया, मतलब व्यर्थ चला गया, बेकार चला गया। ये सबका कोई भी काम नहीं आया। वह उड़ा तो इसलिए उड़ा क्योंकि उसे बहुत तेज़ भूख लगी थी, और उस भूख की वजह से ही वह पागल सा हो गया था। तो उसके भूख ने ही उसके डर को ख़त्म किया और उसने पहली उड़ान भरी। तो इस तरह से आपका थर्ड आंसर ख़त्म होता है। नंबर फोर कह रहा है, हैव यू एवर हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस। क्या आपको कभी इसी तरह का एक्सपीरियंस हुआ है, वेयर योर पेरेंट्स इनकरेज्ड यू टू डू समथिंग, जहाँ पर कि आपके पेरेंट्स जो है वो इनकरेज कर रहे हैं कुछ करने के लिए। डैट यू वर टू स्केयर टू ट्राई, लेकिन तुम्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है उस बात से कि उसको ट्राई भी करो। डिस्कस इन पेयर्स और ग्रुप्स। इस क्वेश्चन को आपको पेयर्स में या ग्रुप में डिस्कस करना है। तो इसका आंसर है, येस आई हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस वाइल ट्राइंग टू लर्न टू राइड अ बाइसाइकिल। तो वैसे तो इसका आंसर आपको खुद से करना चाहिए था, लेकिन मैं आपको एक आंसर दे रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और ये सबके साथ होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं, हाँ हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, सिमिलर एक्सपीरियंस मैंने करा है इसी तरह का, तब जब मैं बाइसाइकिल राइडिंग सीख रहा था, व्हेन आई वॉज इन द फोर्थ स्टैंडर्ड। और तब जब मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में था, इनिशियली शुरू में आई फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू बैलेंस माई सेल्फ। मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट महसूस हुआ तब जब मैं खुद को बैलेंस कर रहा था।
एंड फेल डाउन ऑफन, और बार बार नीचे गिर जा रहा था, विच डेवलप्ड अ फियर ऑफ साइकिलिंग इन मी, जिसकी वजह से साइकिल का डर डेवलप हुआ मेरे अंदर। अनेबल टू ओवरकम द फियर, और उस फियर पे ओवरकम भी नहीं कर पा रहा था, आई गेव अप साइकिलिंग, तब मैंने साइकिलिंग को बिल्कुल छोड़ दिया था कि मुझसे नहीं होगा। बट माई पेरेंट्स वुड ऑलवेज कंसोल मी टू ट्राई एंड प्रैक्टिस साइकिलिंग वेन एवर आई गेट टाइम, लेकिन तभी मेरे पेरेंट्स ने मुझे कंसोल करा, मुझे प्रेरित करा, मुझे इनक्रेज करा कि ट्राई करते रहो और प्रैक्टिस करते रहो तब तब जब तुम्हें टाइम मिले। माई फादर वुड होल्ड द बाइसाइकिल फ्रॉम बिहाइंड टू हेल्प मी बैलेंस माई सेल्फ, और जो मेरे फादर हैं वह मुझे हेल्प करते थे मेरे बाइसाइकिल को पीछे से पकड़ के ताकि मैं खुद को बैलेंस कर सकूं। बट वेन एवर ही लेफ्ट इट, लेकिन जब भी वह उस बाइसाइकिल को छोड़ देते थे, आई वुड लूज बैलेंस एंड फेल डाउन, तब मैं मेरी बैलेंस को खो देता था और नीचे गिर जाता था। ग्रेजुअली धीरे धीरे एज आई प्रैक्टिस्ड एवरी डे, जैसा कि मैं एवरी डे प्रैक्टिस करता था, माई साइकिलिंग स्किल्स इम्प्रूव्ड, तो जो मेरी साइकिलिंग की स्किल्स थी वो इम्प्रूव हो गई, सुधर गई, एंड आई कुड राइड इट विदाउट माई फादर्स सपोर्ट फ्रॉम बिहाइंड, और फिर मैं बाइसाइकिल को राइड कर पाता था बिना मेरे फादर के सपोर्ट के, जो कि वो पीछे से दिया करते थे। एंड दिस ऑल्सो डेवलप्ड माई कॉन्फिडेंस टू अ ग्रेट एक्सटेंट, और इस वजह से मेरी जो कॉन्फिडेंस थी वो बहुत ज़्यादा हद तक डेवलप हो गई। दस आई ओवरकम माई फियर ऑफ साइकिलिंग एंड स्टार्टेड राइडिंग अ साइकिल कॉन्फिडेंटली, और इस तरह से मैं जो साइकिलिंग की फियर थी उस पर ओवरकम किया, और फिर मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बाईसाइकिल राइडिंग शुरू कर दी। वेन आई प्रैक्टिस्ड इट ऑन अ डेली बेसिस, और जब मैं इसे डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था, नाउ आई यूज़ अ साइकिल वाइल गोइंग टू एंड कमिंग फ्रॉम स्कूल एवरी डे, तब मैं वही साइकिल का यूज़ करता हूँ जिससे मैं कभी डरता था, उसी साइकिल का यूज़ करता हूँ स्कूल जाने और स्कूल से वापस आने में। तो इस तरह से आपका नंबर फोर आंसर भी जो है वो ख़त्म होता है। नंबर फाइव कह रहा है, इन द केस ऑफ बर्ड फ्लाइंग के केस में इट सीम्स नेचुरल एक्ट, ये बहुत ज़्यादा नेचुरल होता है, एंड अ फोरगोन कंक्लूजन डैट इट शुड सक्सीड। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि बर्ड के केस में जब बर्ड उड़ता है, कोई भी बर्ड फर्स्ट टाइम, तो ये चीज़ नेचुरल होता है कि वह उड़ेगा, वह अपनी सक्सेस को पाएगा। इन द एग्जाम्पल्स यू हैव गिवन इन द आंसर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, और जो एग्जाम्पल आपने इससे पहले बार यानी फोर नंबर क्वेश्चन के लिए दिया है, वॉज योर सक्सेस ग्रांटेड गारंटीड, तो क्या जो आपका सक्सेस था वो गारंटीड होता है कि जब आप किसी चीज़ के लिए प्रैक्टिस करोगे तो ये नेचुरल है कि आप उस चीज़ को सीख जाओगे, उस काम में आपको सक्सेस मिलेगा, ये गारंटीड होता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और पूछा जा रहा है, और वॉज इट इम्पॉर्टेंट यू टू ट्राई, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको ट्राई करने के लिए रिगार्डलेस ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर, इस बात के ऊपर ध्यान दिए बिना कि जो आपकी फेलियर की पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसका आंसर है, इट इज़ नेचुरल फॉर एवरीवन टू फेस सम प्रॉब्लम्स इनिशियली वाइल ट्राइंग टू लर्न और पिक अप अ न्यू स्किल, तो ये चीज़ सबके लिए बहुत ज़्यादा नेचुरल होता है इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना शुरू के टाइम में, तब जब हम कोई भी नई स्किल्स को सीख रहे होते हैं। मेनी अ टाइम ड्यू टू द फियर ऑफ फेलियर, और बहुत बार ऐसा हुआ है कि फेलियर के डर से वी आर रिलक्टेंट टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं उस टास्क को करने से और अटेम्प्ट समथिंग न्यू, और कोई भी नए चीज़ों को सीखने से या करने से। इन केस ऑफ सीगल, और सीगल के केस में हिज पेरेंट्स कॉन्स्टेंटली कंजोल हिम टू फ्लाई, उसके पेरेंट्स जो थे वो बार बार उसे कंजोल कर रहे थे उड़ने के लिए। सिमिलरली उसी तरह से व्हेन आई वॉज लर्निंग टू राइड अ बाइसाइकिल फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं पहली बार बाइसाइकिल चलाने की सीख रहा था, बाइसाइकिल चलाने के लिए सीख रहा था, माई फादर ऑलवेज परस्यूड मी टू लर्न साइकिलिंग, मेरे फादर हमेशा मुझे परस्यूड करते थे कि साइकिल सीख लूँ मैं, हेंस एट दैट स्टेज इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू ओवरकम माई फियर, और इसी वजह से उस स्टेज पे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि मैं मेरे डर के ऊपर काबू पाऊँ, मेरे डर को ओवरकम करूँ, आई लर्न साइकिलिंग फॉर माई ओन गुड, और मैं साइकिलिंग सीखूँ मेरी खुद की फ़ायदे के लिए, खुद की अच्छाई के लिए, जैसे कि यहाँ पे सीगल को उसके डर पे ओवरकम करके और उसे उड़ना सीखना था उसके फ़ायदे के लिए, ताकि वह अपने खाने को खुद से बना सके, अपने लिए खुद से वो डाइव करके फिश को ला सके,
और अपने भाई बहन के जैसा उड़ सके। यस माई सक्सेस वॉज assured because if one is focused and determined to achieve something then success is guaranteed। और फिर यहाँ पे कह रहा है कि हाँ मेरा जो सक्सेस था वो बिल्कुल पक्का था, एश्योर्ड था, क्योंकि अगर कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा किसी काम के लिए फोकस्ड हो या उसके लिए डिटरमाइंड हो तो ये बहुत गारंटीड हो जाता है कि उसे उस काम में सक्सेस मिलेगा। मोर ओवर वी ऑल अवेयर ऑफ फेमस एडेज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एडेज का मतलब होता है कोई भी कहावत, तो कह रहा है कि एक कहावत भी जिससे हम लोग सबके सब बहुत अवेयर हैं, एक बहुत फेमस कहावत है, वो ये है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर किसी चीज़ के लिए प्रैक्टिस किया जाए तो आपको परफेक्शन दिला सकती है।